मैथ्स में मैथ्स में 50 out of 50 था मैम, प्रीलिम्स में। यस। मेंस में? मेंस में मैम नॉर्मलाइज्ड मेरा स्कोर 230 था। 200 में 230। यस मैम, उस साल हुआ था ऐसा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं नीतू सिंह, केडी कैंपस और केडी लाइव से, और आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे अपने एक स्टूडेंट कम टीचर कम मोटिवेटर से कराने जा रही हूं, जिन्होंने 5 बार सीजीएल क्वालिफाई किया है। हाँ, 5 बार, क्योंकि जब इनको 2013 में एग्जाम देना था तो उस समय जो इन्होंने क्वालिफाई किया, उसके बाद 2019 में किसी स्टूडेंट ने चैलेंज कर दिया कि सर आपके समय में होना आसान था, इन्होंने फिर क्वालिफाई किया। और इस बीच 2013 के बाद, क्योंकि उस समय कुछ केस वगैरह में एसएससी सीजीएल का एग्जाम वो फंस गया था, जिसके वजह से रिजल्ट डिले हुआ था, तो उसके बाद लगातार 2014, 2015, 2016 में भी ये क्वालिफाई किए, यानी कि कुल मिला के करीबन 5 बार क्वालिफाई किया हुआ एक बहुत ही प्यारा सा मेरा साथी भी है, क्योंकि हमारे यहाँ ये पढ़ा भी चुके हैं। आइए, मैं वेलकम करना चाहती हूँ सचिन चिल्लर का। थैंक्स मैम। सचिन चिल्लर, मुझे नाम भी ज़्यादा पूछना ही पड़ा पहले से, पता है क्यों? क्योंकि मेरे साथ ये इतने दिनों तक पढ़ा है कि इनका नाम मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। तो सचिन, कैसे हो? बढ़िया मैम। मैं आपको क्या बुलाऊँ, इंस्पेक्टर, टीचर, मेरा स्टूडेंट, क्या बुलाऊँ? बेटा बोलिए, आप हमेशा वही बोलते हैं। हाँ, मैं हमेशा बेटा ही बोलती हूँ। सचिन, एक बात मुझे बताओ, आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन चुके थे जी 2013 में जो आपने एग्जाम दिया था जी मैम, तो फिर 2014-15 वगैरह जो आपने दिया, क्या मजबूरी में दिया कि बस ऐसे ही दे दिया? मैम, एक्चुअल में क्या होता था, आपको पता ही है कि रिजल्ट्स डिले होते हैं, तो 2013 का हमारा एग्जाम हुआ, उसके बाद एग्जाम के बाद री एग्जाम हुआ, क्योंकि उस पे कोर्ट केस था, आपको पता ही है, कैंसिल हुआ, हम लोगों ने धरने भी दिए थे, उसके बाद में तब भी तक 2013 दिया, फिर उसी के साथ 2014 भी हो गया, और हमारी ज्वाइनिंग आई भी नहीं थी, 2015 भी हो गया, तो उस चक्कर में फिर जब आदमी ज्वाइन नहीं करता जब तक, तो आदमी एग्जाम देता ही रहता है, तो वो लगातार रो में 3 बार एग्जाम दिया गया। तो इस तरह से आपने 2014-15 में भी आपका सिलेक्शन हो गया था, मेरा यानी कि एक सीट बर्बाद किया आपने। एसएससी, प्लीज ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो बिकॉज ऑफ डिले इन एग्जाम अगला एग्जाम देते हैं और वो सीट खराब करते ही करते हैं। ओके, 2013-14-15 मैं समझ सकती हूँ जी मैम, 2019 में क्यों एग्जाम दिया भाई? मैम, 2019 की एक बहुत ही अनोखी सी कहानी है। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया, गाइड मतलब वो मेरे से पूछना चाह रहा था कि सर कैसे पढ़े, क्या पढ़े, तो वो बच्चा बहुत ही डिप्रेस्ड लग रहा था, तो मैंने उसको बोला कि यार हम लोगों ने भी तो करा है, आप भी कर लोगे इजीली। तो उसने एक बात बोल दी कि भाई सर आपके टाइम तो इजी हुआ करता था और अब टफ हो गया है सिलेक्शन लेना, तो वो कहीं ना कहीं वो मेरे बात लग गई। तो मुझे लगा कि चलो भाई देखते हैं अब की बार देखे कि भाई ऐसा क्या ही आने लगा कि ये इतना टफ कह रहे हैं, तो मैंने ये इस एग्जाम को दे दिया फिर। सचिन, कुछ अपने फैमिली के बारे में बताओ। जी मैम, मैं यूपी के बागपत डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा किसान हैं और हम 4 भाई बहने हैं, 3 मेरी बहन है जो मेरे से बड़ी है और मैं अकेला भाई हूँ। मेरी बड़ी जो 3 बहनें हैं वे भी अच्छी खासो एजुकेटेड है, बड़े वाली बहन टीचर है, बीच वाली पुलिस में है, छोटे वाली हाउस वाइफ है। ओके। और सब अच्छी फैमिलीज में उनकी शादी हो रखी है। मैं आपको रोकूंगी पहले, आपके फादर किसान हैं जी मैम, ठीक है, आप बेटा है तो आपको एजुकेशन दिलाना जरूरी था जी, लेकिन टीचर और पुलिस, ये आप लोगों ने सोचा कैसे बेटियों के लिए? मैम, एक्चुअल में ये सबसे बड़ा गाइडिंग फोर्स जो था हमारे पीछे वो हमारे पेरेंट्स ही थे। ओके। मेरे पापा जो है वो 10th पास है सिर्फ, और मेरी मम्मी तो अनएजुकेटेड है, बट उन्हें पढ़ाई का इम्पोर्टेंस पहले से ही पता था। लाइक जैसे मेरी जो बड़े वाली बहन है, इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, वो 10th तक हमारे गाँव में स्कूल हुआ करता था, तो उसमें उन्होंने 10th कर लिया, उसके बाद वो बाहर जाना, 4 किलोमीटर दूर एक कन्या इंटर कॉलेज हुआ करता था, वहां पे उन्हें जाना था, लेकिन जो आस पड़ोस के लोग हैं कि लड़की को बाहर नहीं भेजेंगे, ये नहीं करेंगे, सब ने मना किया, लेकिन मेरे पापा मम्मी ने स्टैंड लिया कि भाई नहीं, हमने अपनी लड़की को पढ़ाना है, और उन्होंने 11th में उनको एडमिशन दिलवा दिया वहां पे। और फिर उसके बाद ये देखिए कि एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया, फिर जो भी लड़की 10th किए
वो सब 11th भी किया और फिर ग्रेजुएशन भी किया, वरना हमारे गांव की सब लड़कियां 10th पे आके रुक जाती थी। तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी फैमिली ने एक टॉर्च बेरर का काम किया जी मैम, कि लोगों को गाइड किया कि बेटियों को पढ़ाना है। और मेरे आप सबसे विनती है, बेटियों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि जब लड़की अपनी कमाई करती है ना, तो उनको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब हम किसी तरह का कोई शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि तुम्हारी दोनों बहनें बहुत अच्छे सेटल्ड है, फाइनेंशियली भी और अपने लाइफ में भी बहुत अच्छे से सेटल्ड है। जी मैम, थर्ड बहन का ये है जो छोटे वाली है, मेरे से बड़ी है, वो सबसे लाडली रही है हमारे में। तो उसका क्या है कि उसने कहा कि जब सारे जॉब कर रहे हैं मैं जॉब नहीं करूंगी, आई विल बी हाउसवाइफ। तो वो अपनी चॉइस से है, इवन तैयारी उसने भी करी थी बैंक पीओ की, बट उसने फिर 6 महीने बाद बोला कि नहीं मुझे जॉब नहीं करनी। ओके जी, अच्छा एक बात बताओ, 2013 का तो जहां तक मुझे याद है सारा धरना प्रदर्शन बहुत कुछ हुआ जी, मैं मापी के साथ करा था। तो डीमोटिवेटेड तुम नहीं हुए थे भाई क्या करे, यहाँ पर तो पढ़ाई भी करो, धरना भी करो, प्रदर्शन भी करो और तब जाके नौकरी मिले? जी मैम, मैं इसके पीछे की पूरी स्टोरी बताऊंगा। मैं 2012 जून में तैयारी करने मुखर्जी नगर आया, तो हमारे यहाँ क्या था, मैं एक जाट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ क्या था कि सिर्फ जो सोच थी वो सिर्फ पुलिस या फौज तक की थी कि इसमें चले जाएंगे, नौकरी लग गई तो ठीक है, वरना अपनी खेती करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस या फौज की जॉब छोटी है, इवन मेरी बहन पुलिस में है तो मैं छोटी जॉब थोड़ी बोलूंगा, लेकिन इससे ऊपर कोई नहीं सोचता था। तो जैसे ही आप कुछ डिफरेंट करने निकलेंगे तो क्रिटिसिज्म तो आपको मिलेगा, और मुझे भी बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा कि अब आले ये यहीं 4 महीने में इंस्पेक्टर बनके, ऐसे करके लोग हंसते थे मेरे मुंह पे कि हाँ ये इंस्पेक्टर बनेगा लाइक दिस, मतलब आई फेस्ड दैट थिंग। तो मेरा यहाँ पे क्या हुआ, 2013 में बहुत सारे सिलेक्शन हो गए, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन स्टार्ट होता है ना होना, तो आपके बहुत सारे एग्जाम्स एक साथ क्लियर होते हैं। मेरे 5-6 एग्जाम्स के रिजल्ट आ गए, घर वालों को भी कॉन्फिडेंस आ गया, वो लोग तो मुझे सपोर्ट कर ही रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि जब ये 2013 का CGL वाला एग्जाम, इसका टीयर 2 हो गया था आपको पता ही है, और उसके बाद इस पे केस था। मेरे मार्क्स अच्छे थे, मैंने किसी में भी अपना डीवी नहीं कराया कि CGL में तो मेरा हो ही रखा है, तो फिर मैं इसी में लूंगा बस जॉब। तो फिर पता चला जनवरी 2014 में कि ये एग्जाम कैंसिल हो गया। ऑब्वियसली हर कोई डिमोटिवेटेड होगा, आपके अच्छे मार्क्स है, आप अपने को रोज इमेजिन करते हो सपनों में कि आप इंस्पेक्टर बन चुके हो, और फिर एक दिन आपको पता लगता है कि वो तो एग्जाम ही कैंसिल हो गया। तो उस डिमोटिवेशन से उभरने के लिए मैंने क्या किया कि मैं अब घर वालों पे बोझ नहीं रहूंगा, मैं कुछ ना कुछ अपना यहाँ पे करूंगा, क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, मेरे अच्छे मार्क्स आ चुके थे, तो मैं साथ साथ री एग्जाम भी दूंगा और मैं अपना खर्चा भी निकालूंगा। तो मैंने ये यहाँ पे एक जगह डाउट सेल में अपने डाउट्स क्लियर करने शुरू करे बच्चों के, और वहां से मुझे थोड़ा सा टीचिंग का कीड़ा लगा। जी बेटा, मैं बता दूं आपको सबसे पहले कि आपके जो मोहल्ले वाले मजाक उड़ाते हैं वो आप अकेले नहीं है, वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है और पूरे बृहत रूप से पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। हर किसी का रिश्तेदार और पड़ोसी सेम कैटेगरी का होता है, इसीलिए एक कान से सुनो और दूसरी कान से निकाल दो। मैम, मैं इस चीज में एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मैं क्या करता था इस चीज को, जो ये क्रिटिसिज्म था मैं इसको एक पॉजिटिव वे में लेता था। जैसे जब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो मैं अपनी मम्मी को कॉल करता था घर पे, और मैं उनसे पूछता था कि कौन मेरे बारे में क्या गलत बोल रहा है। ओके। और फिर वो सुनने के बाद मुझे नींद आनी बंद हो जाती थी। और अब तो खैर इतनी समझ आ गई कि क्रिटिसिज्म सिर्फ दो तरह के लोग करते हैं हमारा। दो कैटेगरी होती है क्रिटिसिज्म करने वालों की। एक होती है कि जिनको पता तो है कि ये बंदा सही कर रहा है, लेकिन वो आपसे जेलस इतने हैं कि अगर ये कर गया तो फिर ये कहां पहुंच जाएगा। और दूसरी कैटेगरी वो होती है कि जिसमें दिमाग इतना नहीं है, मतलब लॉजिक सेंस नहीं है, वो सिर्फ बता दिया गया कि ये गलत है और वो आपको गलत ही कहता रहेगा इवन आप सही भी हो। तो ऐसी कैटेगरी को अपने दिमाग पे क्यों लेना है? बेटा आपको ध्यान रखना, आपके आसपास दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक दो चापलूसी करते हैं वो आपको बर्बाद कर देंगे, और एक होते हैं निंदक जो आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी निंदा करते हैं। तो आप दो चीजें हो सकते हो, एक तो डीमोटिवेटेड हो जाओ कि हाँ शायद मैं नहीं कर पाऊंगा,
और एक होगा कि बस करके दिखा देना है, और वो सेकेंड जो कैटेगरी होता है उसमें ये बिलोंग करते हैं। मैम एक्चुअल में मैं तो निंदा करने वालों की रेस्पेक्ट बहुत करता हूँ। वही सब तो सिखाते हैं हमें कि लाइफ में करना क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 2014-15 ठीक है मानती हूँ कि आपका 2013 में ऐसा प्रॉब्लम हुआ था जी मैम, इसीलिए आपने दिया। ये 2019 में जो आपने दिया जी मैम, तो वो कुछ डाइजेस्ट नहीं होता है कि कोई भी आपको कह देगा कि हाँ उस समय तो एग्जाम आसान होते थे और आप दे दो फिर से। मैम एक्चुअल में वो बात ही ऐसी हो गई थी ना कि बच्चे ने इस वे में बोला कि जैसे हमें तो फ्री में जॉब मिल गई थी। ओके मुझे लगा कि पता नहीं ऐसा क्या ही टफ हो गया, क्योंकि मैं इतने टच में था भी नहीं उस टाइम पे, अपनी जॉब पे फोकस कर रहा था। तो मुझे लगा कि चलो देख तो ले एक बार जाके। मैं यही रोकूंगी, मुझे 2013 का नहीं 2019 के अपने प्री के मार्क्स बताओ। प्री में मैम मेरा रो स्कोर 170 था और वो फिर वो नॉर्मलाइज्ड होके 185 हो गया था। ओके मैथ्स में? मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 था मैम। प्री में? में यस। मेंस में? मेंस में मैम नॉर्मलाइज्ड मेरा स्कोर 230 था। 200 में 230? यस मैम उस साल हुआ था ऐसा। ठीक है, इंग्लिश में? इंग्लिश में 181 था मैम। वेरी गुड, तब तो फिर होना ही था। तो 2019 वाले देख लीजिए, 2013 वाले कोई कम नहीं थे, इसीलिए आप लोग ये शान में ना रहे कि हम लोग के समय में टफ हो गया है। बेटा एग्जाम टफ नहीं हुआ है, अगर वैकेंसी कम होती है वैकेंसी बढ़ती है तो सिलेक्शन बच्चों का कम और ज्यादा होता है, एग्जाम टफ नहीं है। इसमें एक बात और ऐड करूंगा मैं, टफ और इजी में क्या था कि रिसोर्सेज भी तो चेंज हुई है ना। आप 2013 में देखिए, 2012 में एडवांस ऐड हुआ, 2013 में आपके पास एडवांस की बुक ही नहीं थी मार्केट में। सही बात है। मतलब हम ना 50 क्वेश्चन ढूंढने के लिए ज्योमेट्री के मारे मारे घूमते थे कि यार कहीं से प्रैक्टिस के लिए मिल जाए, हमें क्वेश्चंस नहीं मिलते थे। अभी आज की बात करें आपको 1000 तो बुक्स मिल जाएंगी, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, तो रिसोर्सेज कितनी ज्यादा है। यूट्यूब नहीं हुआ करता था उस टाइम पे, आज आप यूट्यूब से सारा कुछ पढ़ सकते हैं घर बैठ। सही बात है। तो रिसोर्सेज बढ़ी है, रिसोर्सेज बढ़ेंगी तो थोड़ा कट ऑफ तो ऊपर जाएगा ना। तो चलो मैं एक चीज पूछूंगी, आपने YouTube का नाम ले लिया जी मैम, कमाई माई सब तुम्हारी अच्छी है जी मैम, अब सेटल हो गए जी मैम, शादी हो गई जी मैम, वो भी हो गई, तो भैया कुछ बच्चों को गाइड करो आके केडी लाइफ पे, और फ्री फंड में गाइड करोगे भैया तुम, अब नौकरी तुम्हारे पास है ना, आप नहीं कहना कि मैडम मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो मुझे सैलरी चाहिए, मैं सैलरी नहीं दूंगी, बच्चों को फ्री में गाइड करना तो बताओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम 200 में 230 लेके बैठे हुए हो डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट के तो तुम खैर अच्छी सैलरी मिल रही होगी, मैं चाहती हूँ केडी लाइव और केडी कैंपस में आके तुम फ्री में बच्चों को गाइड करोगे कि नहीं, पहले ये यहाँ बताओ। मैम आपने बोल दिया तो मना कैसे कर सकता हूँ मैं। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जैसे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जी मैम बच्चों को गाइड करो, ताकि वो समझे कि हमें कहाँ पहुँचना और कैसे पहुँचना जी मैम, बेटर गाइड कर सकते हो क्योंकि वो तुम में खुद को देख सकते हैं। हम टीचर्स हैं, हम उनको पढ़ाते हैं, लेकिन तुम लोग क्या हो, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हो जी मैम, तुम किस रास्ते में कैसे अड़चन आते गए वो सब क्रॉस किया जी मैम। मैं जब टीचिंग में था मैम, आपको याद होगा कि अप्रैल 2014 में मैं टीचिंग में आया था आपके इंस्टीट्यूट में, फिर 2-3 महीने मैंने उस डाउट सेल में काम करा था दूसरे इंस्टीट्यूट में, फिर मैं आपके यहाँ आया, तो फिर आपने पता नहीं आपको तो याद है या नहीं, मैं जब इंटरव्यू क्लियर करके अंदर आया आप मेरे को देख के ऐसे कर रहे कि भाई तू पढ़ा लेगा क्या, क्योंकि मेरी उस टाइम एज 21.5 साल थी और मैं दुबला पतला सूकड़ा सा लड़का, तो मतलब आपने बोला कि यू विल कंट्रोल द क्लास, तो मैंने बोला चलो ठीक है मैम ट्राई करते हैं, तो आपने बोला कि शायद तुम तो मेरे स्टूडेंट भी रहे। मैं शक्ल से पहचान ही जाती हूँ। ऐसे आप तिरछी सी नजर से देख रहे कि शायद तुम मेरे स्टूडेंट भी रहे हो, तो मैंने बोला कि हाँ मैम मैं प्रिलिम्स में आपसे पढ़ा हूँ, तो ऐसे करके फिर हमारा फनी कन्वर्जेशन हुआ था और मैं टीचिंग में आया। तो फिर जब मेरा सिलेक्शन हो गया, जैसे मैं 6-8 महीने तक टीचिंग कर रहा था, री एग्जाम मेरा हो गया उस टाइम पे, फिर जब सिलेक्शन हो गया उसके बाद जो मैं टीचिंग कर रहा था ज्वाइनिंग के टाइम तक,
उस टाइम बच्चों का जो रेस्पॉन्स था वो एक अलग लेवल पे चला गया रिजल्ट आते ही। तो मैं बच्चों से यही बात पूछता था कि भाई ऐसा अब क्या हुआ है कि आप मेरे से इतने इंस्पायर्ड हो। कहते हैं सर जब आप सेलेक्टेड हो ना, और हमारे सामने जो आप वो बात कह रहे थे उसी के लिए मैंने ये बात बताई है कि आप सेलेक्टेड और जब हमारे सामने आते हो तो हमें भी लगता है कि जब ये बंदा हो गया तो हम तो हो ही जाएंगे। तो वो एक मोटिवेशन फैक्टर काम करता है वहां पे। 2014 में एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे आप सिलेक्टेड हुए थे। 13 में सर, 2013 में जी, जो जीएसटी इंस्पेक्टर है अब। जी। वर्क प्रोफाइल क्या है बेटा इसका? मैम इस ये बहुत डाइवर्सिफाइड जॉब है, इसमें मतलब आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा। लाइक आपको हेडक्वार्टर्स मिलेगा तो आपको अलग तरह का काम करना पड़ेगा। आपको अगर रेंज मिलेगा, रेंज मेनली रेंज कंट्रोल करता है जो अपनी जो मार्केट्स होती है, आपको एरिया में डिवाइड कर देते हैं कि इस रेंज का ये एरिया है, उसमें जो भी टैक्स एक्टिविटीज हो रही है वो आपके पोर्टल पे शो करेगी। यू विल सी दैट कौन रिटर्न्स फाइल कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो एक एग्जीक्यूटिव का काम वहां पे हो गया जब आप रेंज में होते। ठीक है, हेडक्वार्टर्स में आपको सारा डेटा मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि वहां पे आप बड़े ऑफिसर्स लाइक कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, इनके नीचे काम करना होता है। ठीक है, फिर आप अलग अलग, जैसे मैं अपना बताऊं मेरी पोस्टिंग्स कहां कहां हुई है और किस किस तरह का मैंने काम किया है। मुझे जैसे शुरुआत में मैंने 2015 में दिसंबर में ज्वाइन किया तो उस टाइम ये सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स हुआ करता था, आपको भी पता है जीएसटी से पहले। तो मुझे शुरुआत में डिवीजन दिया गया तो वहां पे यही नॉर्मल काम हुआ करता था, रिफंड्स वगैरह। जो लोग बाहर एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग रिफंड लेते हैं और जो टैक्स पे होता था वो चीज हमें मॉनिटर करनी होती थी। फिर उसके बाद 2017 में जब जीएसटी आया तो मेरे को डिवीजन दिया गया, तो डिवीजन में फिर वही काम सेम जो यहाँ पे हम कर रहे थे वही वहां पे। फिर उसके बाद मुझे रेंज दिया गया, रेंज का मैंने अभी आपको बताया है कि मेन जो मॉनिटर करता है वो रेंज करता है। कितने आवर्स की जॉब हो जाती है लगभग? मैम वैसे तो वही है ऑफिस टाइमिंग 9:15 से लेके 6:45 तक, तो वही डे का ही होता है इसमें। तो जब आप यहाँ पे होते तो बहुत प्रेशर तो नहीं है काम का? मैम ये डिपेंड करता है, सेक्शन टू सेक्शन डिपेंड करता है। कहीं पे सपोज करिए जैसे रेंजेस है, रेंजेस में भी फर्क होता है। एक रेंज में 500 टैक्स पेयर है, एक में 3000 भी है। तो सेम आप पोस्ट पे है, सेम आप जगह है, लेकिन आपके काम में डिफरेंस है, तो ये ऊपर नीचे चलता रहता है। जरा पे स्केल बता दो। पे स्केल मैम इसमें जब आप एंटर करेंगे, जब नए बच्चे आएंगे तो 44,900 बेसिक होता है। उस पे आपको 38% जो फिलहाल के हिसाब से डीए मिलता है, 27% अगर आप एक्सिटी में हो तो आपको एचआरए भी मिलता है, और आपको टीपीटी अलाउंस जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है वो भी। पोस्टेड कहां थे? मैं चेन्नई में था। चेन्नई में था जी। तो लगभग इन हैंड कितना आ जाता था? मेरा वहां पे लास्ट में इन हैंड 84 के आसपास हो गया था। ओके ठीक है, और फिर दिल्ली कैसे आ गए? फिर चेन्नई से ट्रांसफर दिल्ली हुआ कि कुछ हुआ, क्या हुआ? नहीं मैम, मैंने उस जॉब को रिजाइन किया। हाँ, कर दिया रिजाइन? जी मैम, मैं ऑलरेडी कर चुका। अरे वो वर्दी वाला जो था फीलिंग वो? मैम उसका मैं पूरा ही आपको बता देता हूँ, उसके लिए थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ेगा। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, ओके, जब सिलेक्शन हुआ और मैं इंटरव्यू देने जा रहा था, उस टाइम इंटरव्यू होते थे, अब तो टीयर 3 होने लगा, तो मैंने अपनी फैमिली से पूछा कि एक मुझे मिनिस्ट्री मिलेगी यहाँ पे, जो अब एएसओ बोलने लगे, सीएसएस में एएसओ बोलने लगे अब, तो तब असिस्टेंट बोलते थे, कि ये मिलेगा या फिर मुझे वर्दी वाली जॉब मिल सकती है, तो मैं ऊपर कौन से डालूं? तो उन्होंने बोला कि भाई हमें तो वर्दी में देखना है। वही अगेन वही फैक्टर आ गया। तो आपको भी पता है कि उस टाइम एक्साइज की कट ऑफ सीएसएस से ज्यादा जाया करती थी। सीएसएस बहुत कम लोग, ये तो वो होता है ना, एक भेड़ चाल होती है, आजकल सीएसएस ऊपर जा रहा है। पहले उस समय एग्जामिनर को लोग फर्स्ट में भरते थे, अब इनकम टैक्स भरते हैं। जी, वो चलता रहता है, ये तो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। तो उसमें क्या हुआ, मेरे मन में भी ये था कि शुरुआत की पोस्टिंग मुझे दिल्ली नहीं लेनी है, क्योंकि दिल्ली रह ही रहा हूं तो 2-3 साल मुझे बाहर घूम के आना है, कहीं कल्चर देखना है नया, और फिर अपना ट्रांसफर लेके यहाँ आ जाएंगे। और उस टाइम एक्साइज में ट्रांसफर्स होते भी थे। ओके, तो मैं चला गया मैम। लेकिन क्या हुआ, 2017 में सेटबैक हुआ एक, कि आपके हमारे जो ट्रांसफर्स थे इंस्पेक्टर्स लेवल के, वो बंद कर दिए गए, बैन कर दिए गए। अच्छा, बैन ही हो गया? जी मैम। ओके, जब ये जीएसटी आया, नए रिक्रूटमेंट रूल्स आए, इसमें ट्रांसफर्स बैन हो गए।
तो हमने सोचा कि चलो एक दो साल के लिए बैन हो गए होंगे, तो हमने वेट किया 18, 19, 20 वेट किया। लेकिन फिर मेरी लाइफ में मैम एक टर्निंग पॉइंट आया। मैं 2020 में क्या हुआ कि मेरा पैर टूट गया, तो उस टाइम मैं चेन्नई में ही था, वहां पे कोई नहीं था मेरी देखभाल के लिए कुछ भी, मैं अकेला वहां पे। तो मेरे को 4 दिन बाद ही वापसी फ्लाइट से प्लास्टर के साथ यहाँ पे आना पड़ा। और उसी में क्या हुआ कि मेरी जो बोन थी वो तिरछी जुड़ गई। उस वजह से मुझे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, जब ये 2019 का मेंस का एग्जाम चल रहा था, इवन प्रीलिम्स का जो एग्जाम था मैम, मैं प्लास्टर सिर्फ 2 दिन पहले कटवा के वापसी चेन्नई गया था, जब तक मेरा पैर भी नहीं टिक रहा था। और मैं प्रीलिम्स के एग्जाम में अपीयर हुआ था, क्योंकि वो बात लगी हुई थी बच्चे की क्योंकि मेरे को प्रूव करना था। तो फिर मेरा क्या हुआ कि मैं अपना चलता रहा ऐसे ही, तो मेरी वो बोन तिरछी जुड़ने की वजह से मेरा बहुत ज्यादा पेन होता था, पूरी बॉडी में पेन होता था क्योंकि फ्रैक्चर बहुत तकड़ा था। तो उसमें क्या हुआ, मेंस आना था, कोविड वैसे आ गया था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने ऑपरेशन को, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि मेरा ऑपरेशन होना है, तो ऑपरेशन को मैंने टालता रहा कि मेंस दे लेता हूँ जब ही करवाएंगे ऑपरेशन, क्योंकि मुझे पता था 4-5 महीने इसमें लगेंगे। तो मैंने फिर मेंस दिया, आई थिंक नवंबर 2020 में अपना मेंस हुआ था 2019 का। तो फिर मैंने मार्च 21 में आके ऑपरेशन कराया। उस टाइम मेरे को एक चीज का एहसास हुआ मैम, जब मैं ऑपरेशन थिएटर में था, एनेस्थेसिया दिया जाता है, तो उसमें नीचे का पोर्शन मेरा सुनता, लेकिन आप क्या होते हो, थोड़े से अनकॉन्शियस फील करते हो, बट आपका दिमाग चल रहा होता है। तो मेरे उस टाइम दो ही चीजें दिमाग में चल रही थी, फर्स्ट मेरी फैमिली, मैंने उनके लिए क्या किया है, मैं उनके लिए कैसा हूँ, और दूसरा कि मैंने सोसाइटी के लिए ऐसा क्या किया है जो बहुत अच्छा माना जाए। बाकी मौज मस्ती ये वो कुछ दिमाग में नहीं उस टाइम आ रहा था। तो मुझे लगा यार शायद जिस टाइम मैं मर रहा हूँगा उस टाइम भी मैं यही सोचूंगा। तो मुझे अपनी एक डायरेक्शन मिल गई लाइफ की, कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में, कि मुझे सिर्फ फैमिली और मैं सोसाइटी के लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ, ये दो चीजें मुझे लाइफ में करनी है। और जब मैं रिकवरी कर रहा था मैम, उसी टाइम मैंने माइंड बना लिया था कि ट्रांसफर्स नहीं हो रहे हैं, और मेरे पास अभी सीजीएल 2019 में भी 651 नंबर थे 700 में से, और मेरे पास एक दो जॉब्स के ऑप्शंस और थे। तो मैंने क्या सोचा कि अब मैं इसको रिजाइन करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के आसपास रहना है, और मुझे मतलब उनके लिए अब, क्योंकि वो अब ओल्ड एज में जा रहे हैं, तो मुझे उनकी देखभाल करनी है। इस वजह से मैम मैंने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे रिजाइन करना है। तो आपने 2019 में जॉइनिंग कर लिया और 2014 का रिजाइन कर दिया, 13 का रिजाइन कर दिया। ओके ठीक है।